पूरे देश में आज चुनाव के नतीजे आने हो, कितनी सीटें जीतता, ये ईटीजी सर्वे के हिसाब से 286 से लेकर के 325 सीटें मिल सकती हैं एनडीए को, यानी कि बीजेपी प्लस को। कांग्रेस के पास 111 से लेके करीब 150 सीटें, यानी कि 100 सीटों की बढ़त यूपीए के पास हो सकती है। टीएमसी नहीं, 100 सीटों की बढ़त नहीं होगी, तो कांग्रेस प्लस की सीटें हैं। कांग्रेस प्लस में किस किस को इंक्लूड किया है अभी मैं पीयूष से पूछूंगी। टीएमसी की 20 से 22 सीटें, वाईएसआरसीपी 24 से 25 सीटें, बीजेडी की 12 से 24 सीटें, आम आदमी पार्टी की 4 से 7 सीटें, वो जो हमने आपको बताई थी उनमें से एक सीट शायद दिल्ली से आएगी, बाकी पंजाब की सीटें, और बीआरएस की 9 से 11 सीटें, समाजवादी पार्टी 4 से 8 सीट ही जीत पाएगी। अगर हम एक नजर डालें, आशुतोष जी आप उस वक्त सारी मैथ्स कर रहे थे, अगर इन आंकड़ों के हिसाब से देख ले तो कुल मिलाकर के 200 भी पार नहीं कर रहा है विपक्षी पार्टियों का आंकड़ा। आप मान लीजिए 150 सीटें अगर कांग्रेस के पास आती हैं, 22 सीटें ममता बनर्जी की, 172 सीटें हो गई, 200 सीटें, 214, 221, करीब 250 सीटें आ रही आशुतोष जी, 250 सीटें पूरे विपक्ष को मिलाकर के, अगर उसमें आप आम आदमी पार्टी भी जोड़ दीजिए, बीआरएस भी जोड़ दीजिए, 250 सीटों पर आकर के वो अटक जा रहे हैं। देखिए आंकड़ों की खूबसूरती यही होती है कि हर आदमी अपने अपने हिसाब से उन आंकड़ों की बात करता है। मेरा एनालिसिस तो ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर आज चुनाव हो जाए तो बहुमत का आंकड़ा नहीं मिलता हुआ दिख रहा है, ऐसी एक संभावना है। अगर उनको अगर मिनिमम 285 सीटें मिल रही है जो एनडीए का आंकड़ा है, तो उसका मतलब ये कि बीजेपी की अपनी सीटें 282 से नीचे आने वाली है या 272 से नीचे आने वाली है। तो ये अब आंकड़ों की बात है। मैंने कहा कि अभी विपक्ष की एकता का की मुहिम की शुरुआत हुई है, अभी बहुत सारे लोगों के मन में इफ बट परंतु लेकिन होगा कि एक हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, झगड़े होंगे, क्या होंगे, किस तरीके से लड़ पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन जिस तरीके से शेप लेता हुआ दिखाई पड़ रहा उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने बल पर बहुमत लाना एक बड़ी टेढ़ी खीर होगा। मैंने ये बात आपके सर्वे के प्रोग्राम शुरू होने के पहले कही थी और अभी भी मैं उस पर कायम हूं। और ये जो 285 का आंकड़ा है वो एनडीए का आंकड़ा है, वो बीजेपी का आंकड़ा नहीं है। अगर आप ये बता सके कि बीजेपी को कितनी सीटें इंडिपेंडेंटली मिलती हुई दिखाई पड़ रही है तो शायद एनालिसिस करना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि स्टेज पर इस वक्त बीजेपी की नरेंद्र मोदी की सरकार है, विपक्ष नहीं स्टेज पर है।